हेलो बच्चों, मैं जीतू तनवर विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और उम्मीद है आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, सन 1951 से लेकर भारत से मुख्य जनांग की प्रवृत्ति, मतलब 1991 के सॉरी 1951 1951 के बाद इंडिया में जो पॉपुलेशन चेंज आया, जो डेमोग्राफिक चेंज आया है, किस तरह से पॉपुलेशन चेंज हुई है उसे हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। आगे आज चलते हैं आंसर पर। देखो, 1951 के बाद, 1951 के बाद जो डिफरेंट टाइप से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, चेंज हुई है, जो पैटर्न सामने आया है वो क्या है? फर्स्ट, जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि। देखो, आपको बताइए कि इंडिया वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पे आता है, चाइना से कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही फासले पर है। अब बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन की साइज की। तो देखो, वर्ल्ड में जो इंडिया की पॉपुलेशन का शेयर है, हिस्सा है, वो कितना है? 18%। ठीक है, मतलब इंडिया वर्ल्ड की आबादी का, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% हिस्सा कवर करता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास सिर्फ विश्व की जमीन का 2.4% के आसपास, अराउंड अप्रोक्स हिस्सा है। मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत कम जमीन है, इसलिए लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ के डेंसिटी काफी हाई है। डेंसिटी मीन्स लोग काफी एक साथ रहने के लिए, या मान लो फ्लोर वाइज रहने के लिए मजबूर है। ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है ये हम आगे पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट, जन्म व मृत्यु दर। अब देखो, 1951 के बाद क्या हुआ है, जो आपकी 1941 से 1951 में बर्थ रेट, BR स्टैंड्स फॉर बर्थ रेट, थी 39.9%। मीन्स जो बर्थ रेट थी वो 39.9% इंक्रीज हो रही थी, और जो डेथ रेट थी वो कहती 27.7। लेकिन 2001 से 2011 तक, 2001 से 2011 तक ये कितनी हो गई? बर्थ रेट डाउन होकर 22.1 पहुंच गई, और डेथ रेट डाउन होकर 7.2 पहुंच गई। अब देखो, जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि डेथ रेट में डिफरेंस कितना होगा देखते हैं। लगभग लगभग आप 20%, ठीक है, 20%, मतलब 20% से कम हुई है, सॉरी, इसमें 20 की कमी आई है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम तो 17.8 कम हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि डेथ रेट भी कम हुई है, हमारे मेडिकल फैसिलिटी आने से, अच्छा नरिशमेंट, खान पान, रहन सहन की सुविधा, उससे डेथ रेट कम हुई है। और हाँ, बर्थ रेट भी कम हुई है क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता आई है। अब लोगों को पता है कि बच्चे कम होने चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा, तभी हम तरक्की कर पाएंगे, तभी हमारी ग्रोथ हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन से ग्रोथ नहीं होती। अब लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, परेशानी वाली बात क्या है कि देखो, बर्थ रेट जितनी डिक्रीज हुई है उससे कम डिक्रीज हुई है, सॉरी, डेथ रेट जितनी डिक्रीज हुई है उससे कम डिक्रीज हुई है बर्थ रेट। अब इसका मतलब, सीधा सा मतलब यह है कि बर्थ रेट अभी भी बढ़ रही है, मतलब हमें अभी भी एक इक्वल बैलेंस आने पर, एक लेवल पे आने पर, एक बैलेंस होने पर टाइम लगेगा। तो हमारे देश की आबादी अभी भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, हालांकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो 2.2 का डिफरेंस है, लेकिन ये अगर 135 करोड़ की आबादी के हिसाब से देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। ठीक है, आते हैं थर्ड पॉइंट पर। अब देखो, मैंने आपको बताया था अल्पविकसित देश और विकासशील देश, इनका जो मुख्य व्यवसाय, मुख्य जो बिजनेस होता है वो होता है कृषि। अब इंडिया में देख लो, 1951 के टाइम में, 1951 में क्या था, इंडिया की जो 70% आबादी कृषि पर डिपेंड करती थी, बाकी की 30% आबादी किसी सर्विस सेक्टर में या किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन 2011 में क्या हुआ, कृषि
की जो कृषि पर डिपेंडेंस थी, जो कृषि पर डिपेंड आबादी थी वो कितनी होगी? 51% होगी। हालांकि खुशी की बात है कि 70% से 51% पर आ गए, लेकिन इसमें बुरी बात यह है कि अभी 51% आबादी पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है, जो कि बहुत ज्यादा है। 135 करोड़ की आबादी है हमारे देश के अंदर, जिसकी आधी आबादी सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है, कृषि पर डिपेंड कर रही है। और कृषि भी ऐसी है हमारे यहाँ पे जो टेक्निक बहुत पिछली हुई है, लेटेस्ट टेक्निक नहीं है, जिसकी वजह से उत्पादन बहुत कम हो पाता है। तो देखो 2011 में क्या है, 51% आबादी कृषि पर डिपेंड करती है, तो 49% आबादी किस पे करती है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। अच्छी बात यह है कि कृषि का शेयर घटा है पहले से, बट बुरी बात यह है कि अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको और कम होना पड़ेगा ताकि देश देश तेजी से विकास कर सके। फोर्थ पॉइंट, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब ये होता क्या है? पहली बात, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, कितने लोग रहते हैं। एक प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की आबादी कितनी है, उसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व। अब देखो जो 2011 के अंदर इंडिया का डेंसिटी पॉपुलेशन था वो था 382, मतलब इंडिया के अंदर एवरेज। ये किसी स्टेट का, यूटी का एवरेज नहीं है, ये इंडिया का है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड टोटल एरिया क्या आ गया आपका, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर 2011 में कितना था ये? 382, मतलब 1 किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, 382। वही बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली का जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो कितना है, 11,297, 11,297। तो मैं आपको बता रहा था दिल्ली का जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो 2011 में कितना था, 11,297, 11,297। ये हाईएस्ट था। और सबसे कम कहाँ का था, अरुणाचल प्रदेश, कितना, 17, सिर्फ 17। ठीक है, तो देखो मैंने आपको लास्ट पॉइंट कराया है जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जनसंख्या का शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में वितरण। मतलब हमारी पॉपुलेशन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह वितरित हो रखी है देखते हैं। अर्बन एंड रूरल, देखो 1951 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, 82.2%, 82.8%। ठीक है, यही जनसंख्या 2011 में घटकर कितनी हो गई, 68.8%। और जो शहरी जनसंख्या थी 1951 में कितनी थी, 17.2%, वो बढ़कर 31.2% हो गई 2011 के अंदर। अब देखो हुआ क्या है इसके अंदर, इसे कहते हैं शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जब गांव की जनसंख्या शहर की तरफ मूव करती है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, उद्योग की तरफ आकर्षित होकर, रोजगार के लिए, या फिर चकाचौंध फैशन, या किसी भी मतलब से, किसी भी कारण से गांव की जनसंख्या शहर की तरफ मूव करती है, उसे कहते हैं शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन हुआ है, 1951 में जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो घटी है और शहरी जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, वही हुआ है 2011 के अंदर। ठीक है, तो देखो अब जो ग्रामीण जनसंख्या थी उसका आप गैप देख लो कितना गैप है, और शहरी जनसंख्या गैप देख लो, और इनको मिला के टोटल 100% होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सिक्स, स्त्री पुरुष अनुपात, जेंडर रेशियो। आपको पता ही है जेंडर रेशियो या स्त्री पुरुष अनुपात क्या होता है, 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को पुरुष स्त्री अनुपात कहते हैं, जेंडर रेशियो कहते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो। अब देखो ये सेक्स रेशियो 1951 में जो इंडिया का था, मैं किसी स्टेट या यूटी की बात नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया में 1951 में जो सेक्स रेशियो था वो था 946। ठीक है, 946, वही 2011 में घटकर कितना हो गया है,
940। अब ये घटा कैसे? हो सकता है किसी स्टेट में कम हुआ हो, किसी यूटी में कम हुआ हो, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको इंडिया का बता रहा हूँ, इंडिया का जो एवरेज है सेक्स रेशियो वो क्या है, 1951 में था 946 और 2011 में कितना हो गया 940। अब आपके मन में डाउट होगा या फिर एक्साइटमेंट होगी कि इस टाइम जो हाईएस्ट चल रहा है सेक्स रेशियो वो किसका है, वो है केरल का 1058। मतलब केरल के अंदर पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों से कम है, इसलिए केरल को अच्छा स्टेट माना जाता है क्योंकि केरल में लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और सेक्स रेशो भी अच्छा है, वहाँ ज़्यादातर चीज़ अच्छी है केरल के अंदर, ठीक है। तो देखो केरल का सेक्स रेशो दिखाता है कि वहाँ पर लोग कितने जागरूक हैं, यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या से स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा है। वहीं बात करते हैं सबसे कम सेक्स रेशो अनुपात कहाँ का है, हरियाणा का 1,000 पुरुषों पर 861 स्त्रियाँ महिला, ठीक है। ये तो थे हमारे स्टेट। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। जो पुदुचेरी है उसके अंदर स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, 1001, मतलब 1,000 पुरुषों पर 1,001 महिला, ठीक है। और बात करते हैं दमन दमन एंड दीव, यहाँ पर कितना है 710, तो इसका बहुत कम है दमन एंड दीव का, यहाँ पर पुरुष ज्यादा है स्त्रियां कम है। और हाँ अब बात करते हैं हमारी दिल्ली की, दिल्ली के अंदर क्या है 1,000 पुरुषों पर 868 स्त्रियां हैं, हालांकि ये भी एक बहुत कम रेशियो है, ठीक है, बट जो है आपके सामने। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 7 पर, एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ एज, इसको एज की जगह हम लाइफ बोलेंगे, ठीक है, औसत आयु। अब इसमें क्या दिखाते हैं कि ना हमारे इंडिया में या किसी देश के अंदर कोई व्यक्ति कितनी उम्र तक जीवित रहता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता कि हर किसी के अलग अलग एज काउंट करते हैं, यहाँ पे हम एक एवरेज ले लेते हैं पॉपुलेशन के बेस पर, ठीक है। तो देखो 1951 में जो हमारा एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ एज औसत आयु वो कितनी थी हमारी, 32 साल, 32 ईयर्स, ठीक है, जो कि 2011 में बढ़कर कितनी हो गई है 63.5, 35.5 साल, ठीक है। अब ऐसा कैसे हुआ, ऐसा हुआ होगा मेडिकल फैसिलिटी आने से, अवेयरनेस आने से, लोग अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा रहन सहन है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। और अब लोगों के पास जीने की वजह है, पहले क्या था लोग वही ट्रेडिशनल तरीके से जीते थे, खाते थे पीते थे, सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रखा था, हो कोई हॉस्पिटल ही कोई कुछ नहीं, सब आयुर्वेदिक चीजें थी उसी पे डिपेंड रहते थे। अब लोग साइंस ने तरक्की करी है तो साइंस ने नई नई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराई है हमारे पास, हमारे देश में हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, जिससे कि हमारी औसत आयु बढ़ चुकी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1921 के आसपास, आपको बताया था मैंने 1921 से 21 का टाइम क्या कहलाता है, ग्रेट पीरियड ऑफ डिवीजन, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, हमारे देश की आबादी पहली बार बढ़ने की बजाय घटी थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम एक तो महामारी फैली थी, दूसरी बात यह था कि मेडिकल फैसिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम पर जो हमारी एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ थी, औसत आयु थी, वो कितनी हो गई थी, वो लगभग 19 साल रह गई थी। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 19 साल, ठीक है, औसत आयु 19 साल थी उस टाइम पर। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 8, एज कंपोजिशन आयु वर्ग, ठीक है। एज कंपोजिशन या आयु वर्ग में क्या दिखाते हैं आपको, आपको पता है हमारे भारत के अंदर एक पॉलिसी चली है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर मीन्स जो बच्चे 14 साल से कम हैं उनको आप किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उसके कुछ अपने अपने रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन है, लेकिन हाँ जो ओवरऑल ऊपर का है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी जॉब में या किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो हमारे देश का जो अभी रिसेंटली जो एज कंपोजिशन आयु वर्ग है वो क्या है, 0 से 14, मतलब 0 साल से लेकर जो न्यूबॉर्न बेबी है वहां से 14 साल की उम्र तक हमारे देश के अंदर जनसंख्या 27.05% है, मतलब हमारे देश की लगभग 27% आबादी 14 साल से कम है, ठीक है। वहीं 15 साल से लेकर 64 साल तक की आयु के लोग 66.77 है, 66.77, ठीक है। तो देखो लगभग 67% मान लो आप कि लगभग 67% हमारी देश की आबादी 15 से लेकर 64 ईयर्स में आती है,
इसे हम कह सकते हैं युवा आबादी, युवा, ठीक है। और 65 से अधिक मतलब जो बुजुर्ग कैटेगरी में काउंट होते हैं, सीनियर सिटीजन काउंट होते हैं, वो कितने, 6.8%। अब देखो हमारा देश एक विकासशील देश है, और आपको पता होगा चाइना और इंडिया ने बड़े तेजी से विकास किया है। उसके पीछे एक ही रीजन था कि आबादी किस वर्ग में है। हमारे देश की आबादी अभी भी तेजी से विकास कर रही है, उसका रीजन यही है कि हमारे देश की आबादी में ज्यादातर युवा लोग हैं। और आपको पता ही है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो आपको मैं बता रहा था कि हमारे देश में कोरोना वायरस बुरी तरह से फैला हुआ है। लेकिन हाँ, हमारे देश के अंदर बाकी देशों के कंपैरिजन में डेथ बहुत कम हुई है, लोग जल्दी रिकवरी कर रहे हैं। उसका मेन रीजन यही है कि हमारे यहाँ युवा युवा लोग ज्यादा है, युवा आबादी ज्यादा है, जो बीमारी झेल सकती है, जिनकी इम्यूनिटी पावर, इनकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि उस बीमारी से कब रिकवर करें उनको खुद नहीं पता। बस किसी को बीमारी हुई, इम्यूनिटी अच्छी थी, एक दो दिन में हल्के फुल्के बीमार पड़े, फिर ठीक हो गए, ठीक है। तो यही रीजन है कि हमारा देश तेजी से तरक्की कर सकता है अगर जनसंख्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे तो। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या भारत में बढ़ती जनसंख्या उसके आर्थिक विकास में बाधा है? ये पूछना चाहता आपसे, क्या जो भारत की पॉपुलेशन है जो तेजी से बढ़ रही है, भारत की ग्रोथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा करती है या नहीं? अगर आप आंसर देते हो नहीं, तो सिंपल सी बात है, आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। तो आपको सिर्फ नहीं लिखने है कि आपको 20 या 16 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हाँ, रुकावट तो है। कैसे हैं वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, और कुछ पॉइंट्स, कुछ रीजन देने पड़ेंगे जो कि आपके सामने हैं। फर्स्ट, जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय, पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम। अब देखो इसको समझते हैं पॉइंट्स, पॉइंट को। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक फैमिली में मान लो 5 मेंबर है, और इस फैमिली की टोटल इनकम जो होती है, टोटल फैमिली इनकम, वो है 20,000, ठीक है। एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर है और उस फैमिली के टोटल इनकम, फैमिली इनकम कितनी है, 20,000। तो ईच मेंबर पर, प्रत्येक मेंबर पर इस इनकम का कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4,000 रुपये, ठीक है। 5 चौक 20, 4,000, समझ में आया। 20,000 इनकम है 5 मेंबर की टोटल मिला के, तो ईच मेंबर पर कितना खर्च हो सकता है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, 4,000, ठीक है। अगर इस फैमिली के अंदर एक मेंबर और पैदा होता है, जन्म लेता है, बोर्न होता है, तो 6 मेंबर हो जाएंगे ये। अब देखो जिस मेंबर ने जन्म लिया है, तो जन्म होते तो जॉब नहीं करना शुरू कर देगा वो कम से कम एजुकेटेड होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, फिर बाद में जॉब मिलेगी उसे, उस प्रोसेस में 20 साल 25 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो इतने टाइम तक तो वो कोई काम नहीं करेगा। तो इस फैमिली की मेंबर, सॉरी, इस फैमिली की इनकम कितनी है अभी भी, 20,000। जब सिक्स्थ मेंबर ने बर्थ लिया है, तब भी उस फैमिली की इनकम उतनी है, बट पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अब देखो, अब पहले 5 मेंबर थे, 20,000 फैमिली इनकम थी, एक मेंबर पे शेयर कितना था, 4,000 का। अब यहाँ पर 6 मेंबर हो गए, लेकिन सैलरी वही है, इनकम वही है, तो एक मेंबर पे शेयर कितना हुआ, 6 18 लगभग 3,333 रुपये। अब देखो हुआ क्या है, जनसंख्या बढ़ने से जो ग्रोथ थी, जो शेयर था, जो हिस्सा था, वो घट गया है, ठीक है। तो यही बात तो समझाना चाहता हूँ कि जनसंख्या ग्रोथ में रुकावट पैदा करती है। अब देखो ग्रोथ में रुकावट पैदा हुई या नहीं हुई, ठीक है, आपके सामने साफ एग्जाम्पल है, जनसंख्या हमेशा ग्रोथ को इफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या एवं पूंजी निर्माण, जनसंख्या एवं पूंजी निर्माण। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, कि अगर जनसंख्या किसी देश की लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, स्किल्ड है, एफिशिएंट है, तो वो देश तेजी से विकास करता है। लेकिन अगर इसके उल्टा हो जाए, इसका विपरीत हो जाए, तो क्या होगा? अगर इसका विपरीत हो गया, पॉपुलेशन ज्यादा तो है पर स्किल्ड नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कम होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी लोग। और सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो इनकम भी कम होगी, इनकम भी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो सेविंग कहां से होगी।
सेविंग ही नहीं होगी तो निवेश कहां से करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा तो कैपिटल फॉर्मेशन कहां से होगा। ये सब कुछ एक सीरियल वाइज चलता है। ठीक है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है तो आपके पास इनकम अर्न होगी, इनकम अर्न होगी तो आप सेव करेंगे कुछ पैसा, कुछ पैसा आपने सेव करा तो आप उस पर निवेश करना चाहेंगे, और जहां आपने निवेश करा वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। बट अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, सरकार कहाँ तक लोगों को जनसंख्या रोजगार दे पाएगी, एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी, क्योंकि हर देश की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो इस समय हम ज्यादा रोजगार पाने के हद में नहीं है अभी, अभी इतना हमारे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिस वजह से लोग बेरोजगार होते हैं। बेरोजगार होने से कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अन उत्पादक उपभोक्ताओं का भार, अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर, बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो एक फैमिली के अंदर मान लो 5 मेंबर है। ठीक है, एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर है, लेकिन 5 में से सिर्फ एक अर्निंग पर्सन है, 4 लोग खाते हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है और एक बुजुर्ग पिता या माता जो भी है। ठीक है, अब देखो उसके अंदर होता है, होता क्या है, कमाने वाला एक है, लेकिन उसके ऊपर जो भार है, वजन है, बोझ है, वो कितने, वो 4 मेंबर का पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है, वो विकास कहाँ से कर पाएगा, कहाँ से निवेश करने की सोचेगा, कहाँ से बचत करेगा, वो कैसे पूंजी निर्माण हो पाएगा, क्योंकि उसकी इनकम उन 4 अनप्रोडक्टिव अनुत्पादक उपभोक्ता पे खर्च हो जाती है। अगर वही उनमें से कोई अगर काम करेगा तो फैमिली इनकम बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो यही होता है, जब किसी घर या देश के अंदर जो उपभोक्ता होता है वो अनुत्पादक है, अनप्रोडक्टिव है, तो वहां हमेशा ग्रोथ रुकती है, ग्रोथ डाउन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या एवं खाद्यान्न पूर्ति, पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। अब आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बड़ा देश है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, 135 करोड़ की आबादी है, तो आपको पता है कि 135 करोड़ की आबादी कुछ ना कुछ खाएगी, हमारे यहाँ खाद्यान्न की पूर्ति ज्यादा होती है। दूसरी बात, भारत पशुओं के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है, यहाँ पशु भी बहुत ज्यादा है, एनिमल्स। ठीक, तो एनिमल भी कुछ ना कुछ खाएंगे। तो हमारे जो किसान है बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अच्छी तकनीक ना होने की वजह से, ज्ञान की कमी होने की वजह से वो उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे जितना वो डिजर्व करते हैं। तो उत्पादन ज्यादा नहीं होगा तो जो 135 करोड़ की आबादी है वो कहाँ से खाएगी पिएगी। ठीक है, और खाएगी पिएगी नहीं तो काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर वही बात, इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो सेविंग नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, जनसंख्या एवं चिकित्सा आवास की समस्या, यहां पर है जनसंख्या एवं चिकित्सा आवास की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस देश के अंदर मेडिकल फैसिलिटी की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, वहां पर हमेशा ग्रोथ कम होती है। ग्रोथ कम कैसे होती है, क्योंकि जब लोग स्वस्थ ही नहीं होंगे तो कहाँ से जॉब पर जाएंगे, काम पर जाएंगे, ड्यूटी पर जाएंगे, और जब जॉब नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कहाँ से वो देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, देश के विकास में योगदान देंगे, कहाँ से दे पाएंगे। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार बैठा है तो वो काम करने की हालत में होगा नहीं, काम नहीं करेगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो सेविंग नहीं, सेविंग नहीं तो निवेश नहीं, निवेश नहीं तो पूंजी निर्माण नहीं। ठीक है, तो समझा मेरी बात को। नेक्स्ट, जनसंख्या एवं बेरोजगारी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस देश में ज्यादा जनसंख्या होती है तो उस देश के अंदर बेरोजगारी होना लाजमी होता है, और खासकर उस देश के अंदर जहाँ पर पॉपुलेशन अनस्किल्ड हो, इनएफिशिएंट हो। ठीक है, अब देखो बेरोजगारी भी कई तरह की होती है, एक तो बेरोजगारी सिंपल, आपको कोई काम ही नहीं मिल रहा, आप घर बैठे हो खाली, कोई काम नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हो, आप बेरोजगार हो। दूसरा, छिपी हुई बेरोजगारी जो खासकर कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखी जाती है, जहां पर 2 लोगों की जरूरत होती है काम करने की, वहां 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो 2 लोग कुछ और काम भी कर सकते हैं, कुछ और बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट उन्हें ऐसा बिलीव होता है कि हमें यहीं पे जरूरत है, हमें यहीं पे काम करना है, जिसकी वजह से छिपी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, अल्प रोजगार, अल्प रोजगार होता है, मान लो
आप ग्रेजुएट हो लेकिन आपको 12th बेस पे जॉब मिल रही है, तो आप अल्प रोजगार हो रहा है आपके साथ में, अंडर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है आपको, ठीक है, या फिर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो लेकिन जॉब आपको पार्ट टाइम की मिल रही है। अब इसमें क्या हुआ, जो बंदा फुल टाइम की जॉब कर सकता है उसे पार्ट टाइम की जॉब मिल रही है, तो इसे और क्या कहेंगे, इसे ही तो कहते हैं अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब उम्मीद करता हूँ आप ये नोट कर लोगे और इसको समझोगे और मुझसे डाउट पूछोगे, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।